हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या अग्रवाल आज आपको सिंधी टाके में ये बेल बता रही हूँ। ये बेल पैटर्न है, इसको आप यहाँ से यहाँ तक को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इतना ही पोर्शन को आप इस तरफ से ले सकते हैं, मतलब एल शेप में ले सकते हैं, या बीच में एक मोटिफ के बीच में बना सकते हैं, जैसे कुर्ते के बीच में। काफ़ी चौड़ी बेल है, इसके साइड में आप आउटलाइन करके इसको और बढ़ा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। आप यहाँ पर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, पर मैं हमेशा ये यहाँ से शुरू करती हूँ, ये नीचे से। इसको सिंगल सिंधी टाके से बनाएंगे, तो यहाँ से शुरू करके ऊपर गए, ऊपर के बाद राइट, है ना, ताकि आपका धागा जो मेरे जैसे चले, है ना। ये सुई यहाँ से बाहर गई, इन दोनों के बीच में, है ना, यहाँ से बाहर से अंदर, और ये धागा सुई के नीचे रहेगा, ये। फिर यहाँ आ गए, सुई बीचों बीच डाल के बाहर से अंदर रहेंगे, धागा नीचे, ये वाला धागा जो आ रहा है वो नीचे रहेगा। इस धागे को हम सुई के नीचे रख देंगे, यहाँ से बाहर से अंदर, यहाँ धागा को सुई के नीचे रख देते हैं। अब ये देखिए, ये धागा ऊपर है और हमारी लाइन कैसे जा रही है, ऐसी सेम लाइन जा रही है, तो सेम लाइन का धागा सेम नहीं होना चाहिए कि ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, तो हम इसको नीचे डालेंगे। फिर यहाँ से ये इस तरफ से ले लिए, फिर ये जो पहले बनाए थे उसी से लेके ये, यहाँ भी देखिए ये ऐसी लाइन है, आड़ी लाइन है, ऊपर है तो हम ये नीचे डालेंगे, यहाँ डाले, फिर ये ले लिए यहाँ से। अभी हम पूरे में बाहर से अंदर जा रहे हैं और फिर ये नीचे। अब ये यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, ये धागा लंबी लाइन का धागा नीचे, तो ये ऊपर रहेगा, इसलिए हम इस तरफ आते हैं, ये। अब ये ऊपर है ये धागा, तो हम इसको नीचे डालेंगे और ट्रायंगल इसका तिरछा ले लेते हैं ऐसे। अब इसका पक्का टाका शुरू करते हैं, वो भी हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। ये देखिए ये ऊपर है, है ना, तो अब इसको नीचे डालें और ये तिरछे वाला स्पेस है जो, इससे ले ली, और ये फर्स्ट में नीचे, फिर ये इस तरफ आ गए। फीलिंग में हम ऊपर जाते हैं, बाहर से लिए, फिर ये फर्स्ट में नीचे, फिर ये तिरछे से, फिर ये फर्स्ट में नीचे, फिर ये तिरछे से। अब ये देखिए ये चार वाली लाइन है, तो हमारी वही होती है, फर्स्ट में नीचे, सेकंड में ऊपर, थर्ड में नीचे, फिर फोर्थ में ऊपर, फिर दूसरे बॉक्स में ये। अब राइट साइड की तरफ का बॉक्स पूरा फिल करेंगे, ये तिरछा, फिर ये फर्स्ट में नीचे, फिर तिरछे वाले स्पेस से उधर के फर्स्ट से ये नीचे, ये, और ये यहाँ पर फर्स्ट में नीचे। ये मैं अभी एंकर के थ्रेड से बना रही हूँ, शेडेड थ्रेड है, और ये काफ़ी क्या बोलना चाहिए, स्मूथ होता है, एकदम फाइनल से निकलता है। पतले कपड़े में जब एम्ब्रॉयडरी करो तो ये थ्रेड काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर फर्स्ट में नीचे और फिर ये इधर से, फर्स्ट में नीचे, सेकंड में ऊपर, थर्ड में नीचे और ये बाहर, फिर ये चार वाला आया, फर्स्ट में नीचे, ये इस तरफ आ गए, ये यहाँ आ गए, डार्क कलर में शेड धागे, शेडेड धागे से करने से दो कलर हमें मिल जाते हैं,
और कोई भी कलर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर ये इसका ये बन गया है। अब ये वाला ले लेते, स्टेम स्टिच करेंगे उल्टी बखिया। तो ये धागा हमारा राइट साइड में रखेंगे इस तरफ, ये ऊपर से नीचे जाएंगे और ये पहले टाके से मिक्स करेंगे, ये निकालेंगे। राइट साइड ही धागा भी हमारा रखा है। ये एक कोई भी साइड चूज़ कर सकते हैं आप, राइट रखें या लेफ्ट, लेकिन फिर जब कर्व आता है तब हमें साइड चेंज करना रहता है। ये देखिए ये राइट है। अब मैं इस तरफ लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ क्योंकि अब ये कर्व आ गया है तो ये इधर से घूम जाएगा। मैंने लेफ्ट की तरफ कर दिया धागा, ये देखिए जो टाका पहले हमारा है उसी में हम डाल रहे हैं नीचे जाके, फिर वापस इसी टाके में, और धागे को एक ही साइड रखते हैं, एक कर्व में बदलते हैं। ये अभी मैंने लेफ्ट रखा है, ये इसको पूरा इसी से फिल करेंगे। ऐसे ये राउंड बनाने से थोड़ा सा धागे में बल पड़ जाता है तो उसको थोड़ा सा आप ठीक कर सकते हैं। ये यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसमें मैंने मिरर वर्क भी यूज़ किया है, इसको देखते हैं कैसे बने। बनने पे ये पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।